चैतवासिनी माँ भगवती के दरबार में सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर बलि प्रदान और विशेष पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ठाकुर से भी चैनल। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम कोण में थुम्हानी नदी एवं पवित्र सरोवर के तट पर अवस्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ उच्छेट भगवती स्थान रामायण काल के पूर्व से ही भक्तों पर दया करने वाली, चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। सालों भर माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। नवरात्र में यहाँ माँ के दर्शन को दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे तो सिद्धपीठ माँ उच्चैठवासिनी दुर्गा के दरबार में सालों भर पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल, बिहार सहित पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के कोने कोने से भक्तजन पहुँच इनके चरणों में माथा टेकते हैं और भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु चैत्र शारदीय और आषाढ़ नवरात्र के पावन मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। वैदिक मंत्रोच्चार एवं भक्तजनों की जयकारा से समूचा मंदिर परिषद सहित इलाका एक अलग तरह के आध्यात्मिक वातावरण में परिणत हो जाता है। इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है। यह माँ सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का हिस्सा ही नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्नमस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर के पास ही एक शमशान है जहाँ आज भी तंत्र साधना की जाती है। माना जाता है कि यहाँ छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भावित है और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मांगा जाता है उसे अवश्य पूरा करती हैं, इसलिए इन्हें दुर्गा के नवम रूप, सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। श्यामली वर्ण और विशाल नेत्रों वाली शुभलोचना चार भुजा वाली हैं, जिनकी पूजा अर्चना हजारों हजार वर्ष पूर्व से यहाँ की जा रही है। किंवदंती है कि पुरुषोत्तम राम भी उच्चैठ में भगवती दुर्गा की पूजा किए हैं। उच्चैठ भगवती के संबंध में कहा जाता है कि राजा जनक की यज्ञ भूमि उच्चैठ स्थान है और उन्हें वरदान भी यहीं से मिला था। राम, लक्ष्मण एवं विश्वामित्र को दुर्गा के दर्शन भी यहीं हुए थे। नरलीला के लिए उच्चैठ वासिनी ही यहाँ सीता रूप में विराजमान रही हैं और पाँचों पांडवों को उच्चैठ भगवती का आशीर्वाद मिला। महाकवि विद्यापति गोनुझा, महर्षि कपिल, कनाद, गौतम, जेमिनी, विभाण्डक, पुंडरीक ऋषि, रिंगी ऋषि, लोमस ऋषि, पिपलाद मुनि, याज्ञवल्क्य, शतानंद का साधना स्थान उच्चैठ ही रहा है। आदि शंकराचार्य नेपाल जाने के क्रम में उच्चैठ में रुककर भगवती की पूजा किए थे। यह भगवती महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती का एकात्मक प्रतीक है। कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति उच्चैठ में ही हुई थी। कालिदास के नाम से अभी भी एक डी यहाँ विद्यमान है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मूर्ख कालिदास बने विद्वान कालिदास। प्राचीन मान्यता है कि इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर तथा पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्वत्मा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करने लगे। एक बार भयंकर बाढ़ आई और नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो कि छात्र किया करते थे वो सब जाने में असमर्थ हो गए एवं कालिदास को महामूर्ख जान उसे आदेश दिया गया कि आज शाम वो दीप चलाकर आए और साथ ही मंदिर की कोई निशानी लगाकर आए ताकि ये पता चल सके कि वो मंदिर में पहुंचे थे। बस इतना ही सुनना था कि कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर दीपक जलाया और पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशान लगाने की जब बारी आई तब यह उन्होंने दीपक जलाया और कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीपक के कालिक को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो मूर्ख कालिदास ने माँ भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिक लगा दिया।
तभी माता प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख कालिदास, तुम्हें इतने बड़े मंदिर में और कोई जगह नहीं मिली, और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में जीवन जोखिम में डालकर तुम दीपक जलाने आ गए हो। ये मूर्खता हो या भक्ति, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कालिदास ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उनकी मूर्खता के कारण पत्नी ने तिरस्कृत कर भगा दिया है। इतना सुनकर देवी ने वरदान दिया कि आज सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। कालिदास लौटे और सारे विद्यार्थियों की किताबों को स्पर्श कर डाला और आगे चलकर एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि की रचना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद हैं। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र चित्रांकित है। आदिकाल से शक्ति उपासना में मिथिला अग्रणी महामाया देवी के संबंध में प्रकाशित कई पुस्तकों में वर्णित तथ्यों के अनुसार भारत के कुल 51 शक्तिपीठों में उच्चैठवासिनी 17वां शक्तिपीठ है। आदिकाल से ही मिथिला शक्ति उपासना में अग्रणी रहा है। उच्चैठ भगवती वह अवतार हैं जिनका प्रभाव तत्काल ही भक्तों पर पड़ता है। दोस्तों, उच्चैठ देवी स्थान पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है मधुबनी। उच्चैठ देवी स्थान बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर पर स्थित है। सड़क द्वारा ये चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है। अगर अपनी गाड़ी ना हो तो बस के द्वारा भी यहाँ जाया जा सकता है। यह सिद्धपीठ सड़क मार्ग द्वारा दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी से जुड़ा हुआ है। इन स्थानों से बस और टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, आगे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।